बैठे हो? जहाँ भी जाते हो ना सीढ़ियाँ ढूंढ ही निकालते। पता नहीं क्यों मैं जब भी डिस्टर्ब होता हूँ सीढ़ियों पर आकर बैठता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, एहसास होता है कि मैं कुछ सीढ़ियाँ चढ़ चुका हूँ और कुछ बाकी। थॉट फॉर द डे। और क्या सोच रहे हो? ये सीढ़ियाँ भी अजीब शहर है। और फिर मालकिन तो जानती है कामयाब कौन होता है, वही जिसकी नजर आसमान पर होती है और जिसके पांव हर पल जमीन पर। ठीक इन सीढ़ियों की तरह जो आसमान तक तो ले जाती है लेकिन जमीन से जोड़े रहती है। इसीलिए कामयाबी को सीढ़ियों से जोड़ा गया। स्टेप्स टू सक्सेस, कामयाबी की सीढ़ियां। इतना ही नहीं, ये सीढ़ियां एक संधान है भूत और भविष्य के बीच। अ ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड द फ्यूचर। लाइफ इज नथिंग बट मूवमेंट, चार्ज। फिर वो बेहतर हो या बदतर, बदलाव होता जरूर है। एक पल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, शुरू से अंत तक, जन्म से मृत्यु तक, एक से एक कड़ी जुड़ी हुई इन सीढ़ियों की तरह। मैं यहां बैठकर सोच रहा था कि मैं कहां हूं। यही कहीं बीच में, नीचे अपने अतीत की ओर झांकते हुए, ये सोचते हुए कि मैं कहां से चला था, किन रास्तों से गुजरा, मंजिल के कितने करीब आ पहुंचा। लेकिन बार बार अपने अतीत में झांकने से ये भी तो हो सकता है कि इंसान जब पलट कर देखे तो पाए कि उसका भविष्य उसके हाथ से निकल चुका है। बल्कि अतीत वो ईंधन है जो वर्तमान की गाड़ी को भविष्य की ओर खींच कर ले जाता है। जिंदगी की गाड़ी तो तुम बखूबी चलाते हो लेकिन इस शरीर का क्या, इसे भी तो ईंधन चाहिए। चलो खाना तैयार। उसकी मुझे परवाह नहीं। मैंने इस गाड़ी को एक एक्सपर्ट मैकेनिक के हाथों सौंप दिया है, मेंटेनेंस की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन अगर उस मैकेनिक ने रिजाइन कर दिया तो? हाँ, कर ही नहीं सकता, जिंदगी भर का कॉन्ट्रैक्ट है भाई, वो भी लालू के सामने किया हुआ। ये मैकेनिक वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ ही नहीं सकता। I think he needs help. Help? कोई साइकाइट्रिस्ट उनको टेस्ट करे, कोई मनोवैज्ञानिक। दशरथ। जी हुकुम। अपने सरकार से कह दो खाना खा ले। मैं खिड़की के रास्ते से नीचे चला जाऊंगा। करो क्या क्या तू? अगर उन लोगों ने तुझे देख लिया तो तेरी जान ले लेंगे। प्लीज मुझे जाने दो। ठीक है ना, तू जो कुछ भी जानता बता दे। वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा, तो मुझे बचाना, मुझे बचा सकता है। तुम मुझे यहां से अपने साथ में घर ले चलो। अरे वाह मियां, मिट्टू तो भजिया खा रहा है। खा खा खा। ए, बोल क्या पता चला? कुछ नहीं, पता चलेगा भी नहीं, संभाले से। क्या मतलब? मतलब ये, आंखें फाड़ कर देख इसे। कितना फूला फाला गरीब है बेचारा। अरे इसने तो खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। अगर तेरी जबरदस्ती ने इसकी जान ले ली होती तो इसका पाप किसके सर जाता बता? देख यादव, मुझसे ये काम नहीं होने वाला है। और मेरी बात मान, तू भी उसे छोड़ दे। पाप कौन लेगा? 900 चूहे खा के बिल्ली हछू निकले भी हाँ? एक है बट बट। साला, नहीं बोलेगा तू? नहीं बोलेगा? Now I will make this bird sing. Sing! नहीं पानी नहीं चाहिए, ये ले जाओ। और कुछ चाहिए सर? एक पिज्जा। नहीं मुझे बस। आधा? अच्छा 1/4। तुम्हें चाहिए क्या? तो ऑर्डर करो। एक मशरूम पिज्जा। ओके सर।
तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है नीलम? देखो अमित, नीरू काका इज सो फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, कभी कभी उनके बर्ताव से तो मैं चकरा कर रह जाती हूँ। ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या नहीं है, थिंक अबाउट इट। पहले लॉकआउट, स्ट्राइक, धरना, इतना लंबा खींचा उसको और अब सारी मांगे पूरी कर दी, कल छूटे और आज इशू सेटल। That's not true. मतलब ये नीलम के वो भी छूटे नहीं है। He's not free. उनकी सिर्फ जमानत हुई, अभी मुकदमा हो, फैसला हो, ये आजादी सिर्फ एक दिखावा। मैं उनको जेल से निकाल तो लाया हूं, लेकिन कितने दिनों तक नहीं जानता। जिस तरह से पुलिस और प्रोसिक्यूशन उनके पीछे पड़ी हुई, छोटे छोटे सुराग ढूंढ कर निकाल रही है। नीरू काका को कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता, कोई गवाह नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है उनके पक्ष में। मैं बचाऊं उनको तो कैसे, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। है अमित, इट्स अ शॉट इन द डार्क, बट बोलो नीलम, बोलो। मैं तो अंधेरे में भी तीर चलाने को तैयार हूं, लेकिन कोई निशाना तो हो। वो आदमी, वो पागल आदमी जिसके बारे में वो रिपोर्टर केतन पूछताछ कर रहा था, अगर वो मिल जाए तो। लेकिन वो मिलेगा कहां? क्या कहा था केतन? आखिरी बार उसने उस आदमी को एक बार के करीब देखा था, और वहां शवाल इंडस्ट्रीज के कुछ वर्कर्स भी थे। 302 रुपया 50 पैसा, ये ले 305। ऐश कर बेटा, ऐश कर, लेकिन पावती बना, सब लिख के दे, अपना पूरा हिसाब क्लियर, बराबर। अरे घर वाली को दिखाना इसलिए बोल रहा हूँ, लिख सब लिख। अरे अमित बाबू, आप और यहाँ? किसी से मिलना है। लेकिन यहाँ तो हमारे जैसे लोग आते हैं। मतलब ये शुरू के फैक्ट्री के सारे पीने वाले वर्कर्स हैं? क्या है सर के हम जैसे वर्करों को परवड़ने वाला एक ही तो बार है आसपास में। अरे जल्दी दे यार पावती, नहीं तो मेरे घर वाली आ जाएगी। मेरी होम मिनिस्ट्री बहुत धर्म मिजाज की है, मैं भागता हूँ सर। जल्दी। लेकिन अमित बाबू, आप यहाँ? वकील हूँ ना, मेरा पेशा ही ऐसा है। सबूत की तलाश में कुआं प्यासे के पास आया, ऐसा ही समझ लो। जल्दी जाओ, तुम्हारी होम मिनिस्ट्री इंतजार कर रही होगी। मैं चलता हूँ साहब, मैं चलता हूँ। टाइम ही नहीं मिला होगा। अरे बहुत मस्ती किया क्या? चुपे, ये ले चल, बैठक ले, एकदम शेर बन जाएगा शेर। पी, मुझे खाना चाहिए। हेलो यादव, Mind if I join you? Not at all. You're welcome. बैठिए बैठिए। ए तम्मे। नहीं नहीं नहीं। ये सब कुछ आज मेरी तरफ से। और जो भी पीना चाहे पिलाओ, पैसे मैं दूँ। वाह क्या बात है हाँ? मुझे खाना चाहिए। चल। क्या बात है, आज बहुत मेहरबानी हो रही है। चाहिए क्या? मुझे तोता चाहिए। तोता? कौन सा तोता? वही जिसे तुमने पकड़ के रखा है और जो एक संगीन जुर्म का पर्दाफाश कर सकता है। क्या बात कर रही है, क्या तोता, कौन सा तोता? देखिए हुजूर, ना तो मुझे तोता पालने का शौक है, ना पकड़ने का। पहली बार पी है क्या? चढ़ गई है शायद। जाइए जाइए, जाकर होश की दवा करवाइए। होश तो तुम्हारे ठिकाने आ जाएंगे यादव, जब तुम्हारे नाम का वारंट निकलेगा। जुर्म करना जितना गैर कानूनी है, उतना ही जुर्म की जानकारी को छिपाना। कंसीलिंग एविडेंस इज एन ऑफेंस। मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकता हूँ। इसलिए अब मुझे सीधी तरह ये बताओ कि मैं लाला महतो की जान बचा सकता था, कहने वाला आदमी कहाँ है? मैं हूं ना, मैं यहाँ पे हूँ, मैं लाला महतो की जान बचा। बोलो तुम बोलो, बताओ मुझे क्या जानते हो तुम? एक बार डरो मत, तुम मालिक हो अपनी मर्जी के मालिक हो, बताओ मुझे। मुझे खाना चाहिए। जितना चाहोगे उतना खिलाऊंगा तुम्हें, मैं लालू का बेटा हूँ, बताओ मुझे, बताओ।
जान ले लूंगा तेरी। ए, क्या चल रहा है तेरा? चुप भाई, यहाँ आके आवाज नहीं करने का। चुप भाई, साले भाग गया। ए, पकड़ो साले को, पकड़ो, भाग ना भाई, जाओ। अरे साहब, अब कीजिए ना मुझे अरेस्ट, कीजिए। उड़ गया, उड़ गया तोता, तो उड़ गया, साहब भी वो ले गया जुर्म की जानकारी, अपनी मर्जी से उड़ गया। मालिक था ना भाई, अपनी मर्जी का मालिक। तू वकील, ये पहलवानी यहां मत दिखा, कोर्ट में जा, वहां दिखा, चल जा। हाय, तुम ऐसे क्यों लग रहे हो? क्या हुआ अमित? कुछ नहीं, देर हो गई, आई एम सॉरी। टालो मत। हाँ, मैंने हाथापाई की। मजाक मत करो अमित, क्या हुआ मुझे बताओ प्लीज। पता नहीं, आई लॉस्ट कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ। यू लॉस्ट कंट्रोल? क्यों, कैसे? पिछले कई दिनों से ये यादव डी के अंकल को प्रेशराइज कर रहा था, उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। ब्लैकमेल? He was claiming कि उसके पास कोई ऐसा सबूत है जो नीरू काका को बचा सके। उसकी ज़बान में तोता। You must get this man, you must. तुम समझते हो वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? इसीलिए हाथापाई हुई, वो मेरी नजरों के सामने था। इससे पहले कि मैं उससे कुछ जान पाता, यादव ने उसकी बोलती बंद कर दी। मेरी आंखों के सामने वो यादव के आदमियों के हाथों से भाग निकला। यादव हंसता रहा और मैं। अभी हुआ ये सब? हाँ अभी। Then we must call the police immediately. I am sure वो cooperate करेंगे। नहीं नहीं राधिका, पहले ही नीरू काका की जमानत को लेकर बहुत टेंशन है उनके साथ। Don't worry about that. तुम डीके अंकल को फोन करो, उनकी बहुत पहचान है पुलिस डिपार्टमेंट में। We manage. Trust me. तुम फोन करो उन्हें। Answering machine. डीके अंकल, तोता मुझे मिला था और हाथ से निकल गया। आपकी मदद चाहिए आते ही कांटेक्ट कीजिएगा। मुझे वो आदमी चाहिए, चाहिए मुझे। क्यों जाने दिया मैंने उसे, क्यों? अमित, अमित प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। तुम अपने हाथ से इतनी सख्ती से मत पेश आओ। कोई जुर्म नहीं किया है तुमने, हर कोशिश कर रहे हो। कोशिश, कोशिश, डूबता हुआ आदमी तैरने की कोशिश नहीं कर सकता है राधिका। घर में अगर आग लगी हो तो उसे बुझाने की कोशिश नहीं की जा सकती। Relax, I understand, Amit. Please, ऐसा मत करो मेरी खातिर। मैं तुम्हें नहीं देख सकती इस तरह। तुम्ही ने कहा था ना, you want to do the right thing. सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता अमित। अभी से थकने लगे? तुम तो सारी जिंदगी चले हो लालू काका के साथ। बापू के साथ यूं अकेले तन्हा नहीं। और मैं? I'm sorry राधिका, I promise हम उसे ढूंढ निकालेंगे। तुम और मैं, कोई नहीं रोक सकता, ना यादव ना उसका बाप। तुमने उसे अपनी आंखों से देखा है अमित? हाँ, और मेरी आंखों के सामने ही वो वहां से भाग निकला। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो अबनॉर्मल सा लग रहा था। मैंने वकालत तो नहीं पढ़ी है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कानून इंसेन या दिमागी तौर पर नासाज आदमी की गवाही कबूल नहीं करता। कानून के दो पहलू हैं डीके, थ्योरी और प्रैक्टिस। कानून में ये लिखा जरूर है कि पागल या नासमझ आदमी की गवाही को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं इस आदमी को अदालत के सामने पेश करूं और अदालत के मन में जरा सा भी शक पैदा कर सका, तो नीरू काका को रिहा करने के लिए इतना काफी होगा। और तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो? मुझे पता है कि मैं ये नहीं कर सकता। और फिर भी? I need a red herring, एक ऐसा जरिया जिससे मैं अदालत का ध्यान बटा सकूं, ताकि मुझे वक्त मिल सके अपने केस को तैयार करने। केस तैयार करने के लिए मेरे ख्याल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सेल्फ डिफेंस इज अ वैलिड थिंग।
मालिक ने गोली आत्मरक्षण के लिए चलाई है और इसके सैकड़ों गवाह हैं। सैकड़ों गवाह जो ये कह सकते हैं कि बापू उस वक्त निहत्थे थे, कि वो सिर्फ बातचीत की मांग कर रहे थे, कि अंदर जाने से पहले उन्होंने बार बार मुलजिम से बाहर आने की विनती की थी, कि यूनियन लीडर होने के साथ साथ वो मुलजिम के गहरे दोस्त थे, कि बतौर यूनियन लीडर उनकी अप्रोच हमेशा अहिंसक रही चाहे जो, और ये भी कि कई दिनों से उनके बंगले पर उनके साथी धरना दे रहे थे लेकिन हिंसा की कोई भी वार्ता नहीं। नो डीकेएम, सेल्फ डिफेंस की प्ली यहां नहीं चलेगी, मुझे कोई और रास्ता नहीं, और उसके लिए मुझे वक्त चाहिए जो ये आदमी मुझे दिला सकता है। उसे अकेले ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, हमें पुलिस की मदद लेनी होगी, लेकिन पुलिस की और मेरे संबंध कुछ अच्छे नहीं। डोंट वरी अमित, आई विल अरेंज दैट। तुम्हें अंदाजा है वो आदमी कहां मिल सकता है? खा रहे हो? मुझे दोन पागल की तरह क्या देख रहा है? मुझे खाना देना। अच्छा मैं तुझे एक राज की बात बताऊंगा, पहले मुझे खाना दे। मुझे भूख लगी है यार, मुझे खाना देना। हट, 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 हट। आपने खुद देखा है उसे ने? जी। आपको यकीन है आपको उसका चेहरा बिल्कुल ठीक याद है? जी, मैंने बात की है उससे। आपने जो तस्वीरें देखी उनमें से कोई नहीं है? नहीं नहीं, आई एम श्योर उसका उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। उसके साथ कौन आया था? यादव और उसके कुछ साथी हमारे फैक्ट्री के वर्कर्स हैं। उनसे तो मैं अपने ढंग से पूछताछ कर लूंगा। वही अच्छा रहेगा। आप डिस्क्राइब कर सकेंगे ना उसको? श्योर। उसका चेहरा बिल्कुल साफ है मेरी नजरों के सामने। अमित साहब की मेमोरी बहुत अच्छी है, यू कैन रिलाय ऑन हिम। गुड, ये हमारा आर्टिस्ट है, आप उस आदमी को डिस्क्राइब कीजिए, ये उसका स्केच बनाएगा। ओके। उम्र 25-26 साल, हाइट 5 फीट 8 इंच या 8.5 इंच, रंग गेहुआ, ना ज्यादा दुबला ना पतला, गढ़ा हुआ शरीर, चेहरा चेहरा ब्रॉड, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी भौहें, बाल काले घुंघराले, एक्चुअली बेबी, चेहरे पर 3-4 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी, चेहरे पर कोई खास निशान, कुछ दाग घाव नहीं। आपने बताया था ये आदमी अंतिम संस्कार के दिन लालूदा का पता पूछता हुआ आपके घर आया था। जी। इसका मतलब ये हुआ ये आदमी लालूदा को जानता था, या ऐसा कोई शख्स है कि जो लालूदा को जानता था और इसके भी करीब है? लेकिन लालूदा को तो हजारों लोग जानते थे इसे पिता, आप इस शख्स को कैसे ढूंढ पाएंगे? यू विल बी सरप्राइज, हमारे कुछ अपने तरीके हैं। आप एक काम कीजिए, ये स्केच अपने करीबी लोगों को दिखाइए, हो सकता है उनमें से इसे कोई पहचान ले, हम अपनी तरफ से उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नॉट एट ऑल, इट्स अवर ड्यूटी। और फिक्र मत कीजिए, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। सर, ही इज द मैन, ही इज द मैन।